आपको अनलिमिटेड टिप्स बताने वाले हैं कन्वर्टिंग, जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में देखिए, आप साइज सेट कर सकते हैं, अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। रूलर और गाइडलाइन को अगर शो करिएगा तो ये देखिए यहाँ पर दिखेगा। अपनी डिज़ाइन बनाने के लिए नया बना सकते हैं, मार्जिन शो करिएगा तो दिखेगा। फिर यहाँ पर प्रिंट ब्लीड करिए, शो ब्लेड करिएगा तो ये दिखेगा। और इसको अन टॉगल करते जाएंगे जिससे कि जो हमने अभी किया है करंट में वो ना दिखे इसमें। फिर इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट करेंगे, तो फाइंड टेक्स्ट आप जो भी लिखिएगा उसको वो चेंज कर देगा। मान लीजिए आपने टिप्स लिखा और उसको ट्रिक्स में बदल दिया, तो यहाँ पर रिप्लेस जब आप करिएगा तो देखिए ये हो गया। अभी हमको रिप्लेस नहीं करना क्योंकि हमें तो टिप ही लिखना है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। अब आया नेक्स्ट, इसमें आता है सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव टू फोल्डर कर सकते हैं और वर्जन हिस्ट्री लिख सकते हैं, उसमें मेक कॉपी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल मेनू में तो इतनी चीज हम कर सकते हैं कैनवा में। उसके अलावा आप कैनवा में ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप अपना कुछ बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मोर में जाइएगा, तो यहाँ पर आपको ये देखिए पेंसिल मिलेगी। तो जब पेंसिल मिलेगी तो उसमें डिफरेंट पेंसिल मिलेगी। मान लीजिए एक ग्लो पेन हम लोग ने लिया, उसकी साइज लिखी और यहाँ पर इसको चलाया तो ये देखिए ये चेंज हो जाएगा। तो अभी हमें तो चेंज नहीं करना, तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, आपका कलर चला जाएगा। लेकिन ग्लो करने के लिए आपको कलर, अगर आप लेते हैं तो कलर के साथ कर देगा। आप पतली पेंसिल लेते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिखा थोड़ा सी गड़बड़ हो गया, तो यहाँ से आप रबड़ ले लीजिए और इसको मिटार दीजिए। फिर इसे लिया और हमने लिख दिया लर्न कैनवा। तो इस तरह से आप पेंसिल की साइज छोटी बड़ी भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। अभी हम इसको वापस करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसी भी शेप का बॉर्डर हम दे सकते हैं क्या। तो कोई शेप ले ले यहाँ से, तो यहाँ पे ढेर सारे शेप हैं, तो शेप में मान लीजिए हम ये शेप लेते हैं। अब शेप का हम बॉर्डर कर सकते हैं, तो यहाँ पे शेप में जाएंगे, यहाँ पे देखिए बॉर्डर दिखा रहा है, तो बॉर्डर डिफरेंट टाइप का आप ये देखिए यूज कर सकते हैं। बॉर्डर की साइज यूज कर सकते हैं, मोटा पतला कर सकते हैं, कॉर्नर राउंडिंग कर सकते हैं, ये देखिए आपका फिगर का राउंड शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अब मान लीजिए दो शेप है हमारे पास, एक शेप और ले लेते हैं। अब इस शेप का कलर हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए इसका कलर हमने ले लिया रेड। अब हम चाहते हैं कि रेड कलर इसमें भी आ जाए, तो इसको लेंगे हम और यहाँ पर जाएंगे और ये देखिए आपका ये रोलर जो है इसको ले करके और यहाँ पर इसका रोलर लेंगे और यहाँ पर करेंगे, तो इसका कलर जो कलर है इसलिए इसी कलर में वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट करके हम कलर को चेंज कर सकते हैं। आप शेप को चाहिए तो इसमें एनिमेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट करके हम दो फिगर्स को
सेम कलर में कर सकते हैं, जो कि हम लोग को काफी कुछ टेम्पलेट में जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए ये शेप आपको लाना है, तो ये दो बार आ गया ना, एक बार लाना है, तो यहाँ पर ये शेप लाए और इसको पीछे करना है, तो पोजीशन करेंगे बैकवर्ड कर देंगे, तो ये आपके पीछे लग जाएगा। अभी हमें नहीं करना है तो इसको वापस हम कर देंगे। इसी तरह से ये देखिए, ये शेप है, डिफरेंट शेप पड़ा हुआ है। इसमें एनिमेटेड चीजें भी आप कर सकते हैं। अब हमारा कोई फॉन्ट लिखा है, ये फॉन्ट देखिए हमारा चेंज हो गया है, हम इस फॉन्ट में चाहते हैं, तो यहाँ पर जाएंगे और इसको उठा के लाएंगे, ये इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे, तो इसको पहले कॉपी कर लें, तो ये देखिए वहाँ का यहाँ हो गया, उल्टा हो गया, लेकिन कॉपी कैसे करता है ये हम आपको बता रहे हैं। ये आ गया, तो ये जो रोलर है इसमें, ये रोलर का काम यही है, ये कॉपी का काम करता है, जो जो फॉर्मेट आप कॉपी करिएगा वही फॉर्मेट दूसरी जगह हो जाएगा। ये देखिए इसका फॉर्मेट वहां पे चला गया। अब ये फॉर्मेट आपको लाना है तो फिर वहीं जाइए, ये वाला करिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ऊपर वाला फॉर्मेट नीचे कॉपी हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल ऑल्टर सी करके फिर कंट्रोल ऑल्टर वी करिएगा तब भी हो जाएगा। इसमें कंट्रोल ऑल्टर सी करा, फिर यहाँ पर आए कंट्रोल ऑल्टर वी करिएगा, तो देखिए ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये फिगर और ये फिगर कनेक्ट हो जाए एक लाइन से, तो लाइन से कनेक्ट करने के लिए हमें लाइन लानी पड़ेगी, तो यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं हम। अब लाइन जब आप लीजिएगा तो दो फिगर को आप जब जोड़िएगा, मान लीजिए इस वाली फिगर को हम जोड़ते हैं इससे, तो इसमें देखिए पॉइंट जो दिख रहा है इससे इसको जोड़ा, और इसमें पॉइंट जो दिख रहा है इसको इससे जोड़ा, इस वाले पॉइंट को इससे जोड़ेंगे, अब ये जुड़ गया, तो ये देखिए ये फिगर कहीं पे भी, इसमें यहाँ से कहीं पे भी चला जाएगा आपका, कहीं पे भी वो पॉइंट करेगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम दो फिगर को आपस में जोड़ सकते हैं, तो जहां पे जरूरत पड़ेगी आप उसको जोड़ सकते हैं। अभी हमें नहीं चाहिए तो फिर हम वापस करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेप को हम कैसे एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई शेप लाएंगे, ये वाला लाए, अब इस वाले शेप को हमको बदलना है, तो हम दूसरा टाइप का शेप इसमें चेक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर दूसरे टाइप का शेप आ जाएगा। तो इस तरह से हम शेप को, डिफरेंट शेप को ले सकते हैं। अब हमको कलर चेंज करना है, इसका मान लीजिए कलर चेंज करना है, तो एडिट इमेज में जाएंगे, यहाँ पर इसमें राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ प्लस करेंगे, तो ये देखिए कलर पिकर आ जाएगा। अब मान लीजिए हमें कोई और कलर लेना है, तो इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए ये कलर अंदर वाला चेंज हो गया, क्योंकि हमने उसी को सेलेक्ट किया था। अब इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं
और फिर प्लस करते हैं और कलर पिक कर लेते हैं, तो जो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लेकर यहाँ पर ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से कलर पिकर लेकर आप अपने मन का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप पेज पे इसमें क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जैसे ये पेज है तो पेज को एडिट इमेज किया हम लोगों ने, तो ये देखिए फेस आ गया बीटा वर्जन। अब वहाँ पे वो बहुत सी इंफॉर्मेशन देगा जिसको आप कर सकते हैं। देखिए ऑटो करिएगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा। फिर रेड आई हटाना है तो हटा लीजिए, टीथ अच्छा वाइट करना है तो अभी टीथ दिख नहीं रहा है, स्मूथ स्किन करनी है तो कर लीजिए। तो ये जितने परसेंट आप ले लीजिएगा उतने परसेंट हो जाएगा, यहाँ पे 50% है। तो इस तरह से फेस भी हम चेंज कर सकते हैं, अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। फेस फोटो में आप फ्रेम लगा सकते हैं, फ्रेम में आप मोबाइल के अंदर अपनी फोटो को कर लीजिए, आप कंप्यूटर के अंदर अपनी फोटो को कर लीजिए। इस तरह से हम फ्रेम भी बदल सकते हैं, लेकिन अभी हमें तो चाहिए नहीं, हम तो बस आपको बताने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कलर भी उसने चेंज कर दिया, ताकि आप चाहते हैं तो कलर चेंज करके ले लीजिए। यहाँ से फेस्टिव समर एपिक फिल्टर लग सकता है, हमें कुछ नहीं लगाना है, हमको एडजस्ट कुछ भी नहीं। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ आप कर सकते हैं। और एडजस्ट में जाइएगा तो और ऑप्शन मिलेगा, आप चाहते हैं ब्लर करना तो ब्लर हो जाएगा कुछ पीछे का, अगर आप पीछे का कुछ ले लेते हैं इसको यहाँ पर, तो इसके फोटो के पीछे का ब्लर हो जाएगा, क्योंकि मेरी फोटो ट्रांसपेरेंट है इसलिए अभी कुछ नहीं होगा, इसमें ब्लरिंग नहीं होगी। तो हम लोग के टेम्पलेट में जो आप चेंज करिएगा वो कैसे चेंज करिएगा, तो आप टेम्पलेट सेलेक्ट करें उसको लिया आपने, फिर यहाँ पर कोई एक सेलेक्ट करिए और कोई फ्री वाला लेना पड़ेगा ना, इसमें फ्री नहीं था ये वाला लिया, तो ये देखिए चेंज हो जाएगा। जब फ्री नहीं रहेगा तो वो नहीं चेंज होगा, तो ये सारा कुछ वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो देखिए ये आ रहा है तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो अभी तो हमें लेना ही नहीं, हम तो बस बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेआउट में तो आप देख ही रहेंगे कि कैसे इसका डिफरेंट लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इमोजी भी ला सकते हैं, ये देखिए इमोजी इसमें दिया हुआ है, डिफरेंट इमोजी आप ला सकते हैं। तो हमने ये डाला है देखिए, और इसको एडिट करके भी आपको दिखा दिया, तो इसमें देखिए डिफरेंट इमोजी है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये भी बता दिया कि इमेज फोन में करो, ब्लर करो, फेस चेंज करो, पेंट इफेक्ट करेंगे, शैडो स्ट्रोक लगाना है आपको इसके किनारे, तो एडिट इमेज में जाएंगे। जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको फेस रिटच लैपटॉप ये ग्लो मिलेगा, तो जब आप ग्लो करिएगा तो इसमें देखिए एडजस्टमेंट आ गया, तो इसको ट्रांसपेरेंसी को फुल कर दीजिएगा और ब्लर ये आप किस रंग में रंगना चाहते हैं वो ले लीजिएगा, हमने ये वाला लिया या ये ले लीजिए, तो देखिए किनारे स्ट्रोक लग जाएगा, और ब्लर करना है तो ब्लर हो जाएगा थोड़ा सी, और इसकी साइज चेंज करनी है तो साइज भी चेंज हो जाएगी, ये देखिए ज़्यादा कम हो जाएगा, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या साइज रखनी है। यहाँ पे अप्लाई कर गए अगर हम इसको तो ये आपका किनारे आ जाएगा, तो इस तरह से आपकी फोटो के किनारे ग्लो भी लग जाएगा। ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेचुरेशन ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फिल्टर मिले हैं डिफरेंट टाइप के, आप इसको यूज कर सकते हैं, जो चाहिए वो फिल्टर आप यूज कर लीजिए। तो इस तरह से आपकी कैनवा में काफी कुछ टिप हमने आपको बता दी।
और आगे अगर आपको कुछ और पूछना है कभी तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे हम और भी चीजें आपको बता सकें। कल भी हमने काफी आपको लोगो बनाना, स्टोरी बनाना और बहुत कुछ बता चुके हैं हम। आगे अगर आपको कुछ और पूछना है तो बताइएगा। ये लिंक भी यहाँ से आप अपने चैनल का डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं फोटो को। इसमें कुछ वर्जन जो है वो प्रो वर्जन है, तो वो हर चीज आप यूज नहीं कर सकते। और आपको हमने पहले ही बता दिया कि टेम्पलेट यूज करते समय केयरफुल रहिए, क्योंकि इसमें जो क्राउन वाले टेम्पलेट है उसको आप नहीं यूज कर सकते, वो प्रो वर्जन है। तो जब आप लाइसेंस ले लीजिएगा, प्रो वर्जन ले लीजिएगा, तो आप सब कुछ यूज कर पाइएगा। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल। थैंक यू।